अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है मैं अभी सुबह उठा हूँ, रोज़ा रखा हुआ है और अभी उठ के तो मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ और मैं आपको आज दिखाने लगा हूँ हमारा बुफे कैसे हम सेट करते हैं। और आई बीइंग अ पेस्ट्री शेफ़, क्या क्या चीज़ें मेरी मेन्यू में हैं और किस तरह से मैं उसकी अरेंजमेंट करता हूँ, शूटर्स में, मार्टिनीज में, शैम्पेन ग्लासेस में। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा पिछला व्लॉग आपने शायद देखा होगा जिसमें हमने जो है वो जगह सेलेक्ट की थी और मैं सवा भी गया था, तो आज जो है उसका अगला पार्ट आ गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा हमारा मेन्यू और किस तरह से जो है हम बुफे को सेट करते हैं। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला रमज़ान और दूसरा रमज़ान तो सिर्फ हमने प्रैक्टिस की कि ये कैसे हो सकता है। असल में जिस रेस्टोरेंट में मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर 250 बंदे की सिटिंग है, तो हम लोग सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि आया हम सर्व कर सकते हैं और क्या रिस्पांस मिलेगा। तो रिस्पांस अच्छा मिला। पहला दिन ये हमने बुफे लगाया और जो चैलेंज एज अ पेस्ट्री शेफ़ मुझे मिला यहाँ पर या जो मिल रहा है वो है टर्किश और अरेबियन डिज़र्ट्स का, क्योंकि मेरा जो है शोबा वो पेस्ट्री का है तो उसमें मिठाइयाँ और ये चीज़ें नहीं आती। लेकिन ऑनर्स ने कहा कि हम ट्राई करें तो मैंने कहा चलें, क्योंकि जो क्रिएटिव फील्ड के बंदे होते हैं उनको खुशी होती है चैलेंज लेने की। तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और माशाल्लाह से इज़्ज़त मिली। अभी ये सब हम मीटिंग के लिए जमा हुए हैं, मीटिंग हुई है इस रात कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो एक्सपेरिमेंटल जो है ये 2 दिन रहे हैं हमारे बुफे के। मेरा चूँकि एक्सपीरियंस था बुफे का तो मुझे कोई मुश्किलात दरपेश नहीं आई, और जो चैलेंज मैंने आपको बताया वो यही था कि टर्किश और अरेबियन स्वीट्स को हमने मुतारिफ़ करवाना था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाया। मेरे 3 बंदे हैं मेरे अंडर बेकरी में और हम टोटल 4 लोग हैं, 4 लोगों की टीम है। तो टीम बहुत अच्छी है हमारी, मिलके कर रहे हैं। और ये जो हैं अरेबिक शेफ़ हैं मोहम्मद, और ये जो हैं रफ़ी हैं, ये बकलावा मास्टर हैं। और ये पहला रोज़ा है और इतना मज़ा आया और इतनी बरकत थी रमज़ान की मेरे ख़्याल से कि गर्मियां आकर फिर दोबारा से सर्दियां आईं और हम लोगों ने खुशी खुशी किया। और ये देखें जो अरेबिक शेफ़ हैं मोहम्मद, वो हमारी मदद भी कर रहे हैं बुफे अरेंज करने में। आज दूसरा दिन है, सेकंड रमज़ान है, और मैंने ऑनर्स से जो है मार्टिनीज़ और शूटर ग्लासेस भी मंगवाए हुए थे तो मैंने जो है अरेंज किया है, लेकिन फिर भी मुझे कमी महसूस हो रही थी तो मैंने फिर एक स्टैंड बनवाया है राउंड, जो कि अप्रूव्ड हुआ है और हमने उसी को सिलेक्ट किया है। मैं आपको अपना नेक्स्ट बुफे भी दिखाऊंगा नेक्स्ट डे का, जो कि फ़ाइनल हुआ है। ये बकलावा चेक करें, ये रफ़ी ने और मोहम्मद ने बनाया है और ये लोग बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। बाकी के जो डिज़र्ट्स हैं वो मैं मेरे जो है डिपार्टमेंट के हैं। ये जो सेकंड डे है और ये जो बुफे है ये हमने अरेंज किया है, 80 लोगों की रिज़र्वेशन थी तो मेरे लिए तो ये खैर ये आम सी चीज़ थी, क्योंकि मैरियट में जब मैं था तो ब्रेकफास्ट बुफे में और लंच में और हाई टी में नॉर्मली 500, 1500 से 2000 जो है लोग होते थे तो हम लोग अरेंज करते थे। तो ये मेरे लिए एक छोटी सी जो है वो थी। ये जो बकलावा शेफ़ हैं रफ़ी, बहुत ही नाइस पर्सनालिटी है और बहुत हंस खेल के हमारा टाइम गुजरते। वक्त से पहले हम लोगों ने अपना बुफे लगा लिया है और क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ अस, है ना। जिस रेस्टोरेंट में ऑनर्स जो हैं मशवरा लेते हैं अपने शेफ़ से तो वो कामयाब रहते हैं और उनका अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। तो चूंकि हमारे ऑनर्स जो हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं तो और वो हमसे मशवरा भी लेते हैं। अभी जो स्टैंड गोल्ड बना है ये मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इनको भी बहुत अच्छा लगा और गेस्ट जो आए हैं वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं। ये जो स्टैंड है ये इंस्पायर्ड था 5-स्टार होटल से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 5-स्टार होटल का ही है। तो मैंने सोचा है कि हम
बेशक ट्रेडिशनल चीज़ें अरेबिक और टर्किश कुजीन ही क्यों ना रखें, लेकिन कुछ इस तरह से रखें कि मज़ा आ जाए। तो ये है जी मेरा फाइनल बुफे। मेन्यू में 80% जो है वो अरेबिक और टर्किश है, और उसके अलावा जो है मेरी तो रेसिपीज़ हैं ही, तो इसमें मैंने टेरामिसू ऐड किया है, और फ्रूट ट्राइफल है, चॉकलेट ट्रफल है, और मुहल्लबिया है। मुहल्लबिया मुझे बहुत पसंद आया है पर्सनली, और केक स्लाइसेस हैं, चीज़ केक है, बेक्ड योगर्ट है, और जो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वो बेक्ड योगर्ट का मिल रहा है। सो हेयर इज़ माई फाइनल बुफे, ये फाइनल हो गया है और आज से हर इफ्तार में यही लगेगा। होप यू इंजॉयड दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।